guys, welcome to our vlog. Hello guys, welcome to our vlog. मेरे से कुछ ना हो पाएगा. Hello guys, welcome to our vlog. Welcome to my channel. आज हम लोग vlog शुरू कर रहे हैं because हम लोग जा रहे हैं natural history museum. South Kent, जहाँ पे मैं job करती हूँ by the way. Look at my gorgeous makeup. I'm just joking. I just applied 3 products and I'm still looking pretty. By the way guys, हम लोगों ने matching किया है. कुछ तो अच्छा सा कंटेंट वो करेंगे. हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं बाय द वे. 1:15 का टाइम था ना और हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे. नो दैट्स नॉट ट्रू. मैं सबसे पहले रेडी होकर बैठी थी. तू बाद में हुआ. सच बता, अच्छी लग रही है. थैंक्स. बाय द वे माय हेयर इज एक्टिंग सो वियर्ड बिकॉज मैं अभी वॉश करके आई हूँ. मैंने आधा हेयर ड्रायर आधा हेयर ड्राई किया है और आधा नहीं किया है ना. इसने इसके भी बाल ऐसे लग रहे हैं, मेरे भी ऐसे लग रहे हैं. बट आई गॉट रबर बैंड सो मैं बीच में फिक्स कर लूँगी. आई थिंक सो बीच यार लोग आ जाते हैं ना आजू बाजू में तो वियर्ड सा फील हो जाने लगता है ना लोग करते टाइम. गाइस मैंने ना बाल बांध लिए थे, अभी थोड़े अच्छे लगने लग गए. बहुत ज़्यादा चलना होता है इधर पर आज हमारे साथ कंपनी है. गाइस पोपट हो गया हमारा. हमें वेस्ट मिनिस्टर से आना पड़ा. ग्रीन पार्क से स्टेशन पार्ट क्लोजर जो भी होता है वो है तो चल ही नहीं रही ट्रेन उधर. एंड आई वाज लाइक इधर तो ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं चढ़ने हैं. लाइक एक लिफ्ट पकड़ेंगे ट्रेन आ जाएगी. बट आई वॉज रॉन्ग. इधर लिफ्ट भी बंद है. हम लोग आ गए साउथ कैन. बहुत ज़्यादा प्रीटी वाला वेदर है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साइंस म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एक ही है. फिर मेरे को मालूम नहीं है. अगर आई थिंक किसी को पूछना पड़ेगा शायद ये वाला है. अगर नहीं मालूम है, अगर ये वाला नहीं है तो फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी डेस्टिनेशन. में क्या बकवास कर रही हूँ, बौखलाई हुई हूँ गाइस मैं अभी. ये रहा म्यूजियम गाइस. बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस. अब गाइस ये लोगों ने ना टिकट बुक नहीं करी जो कि फ्री में थी. पैसे भी नहीं लग रहे थे ना, फिर भी नहीं करी. 2 मिनट का काम था और अभी ये लोग कितनी बड़ी लाइन में खड़े रहे हुए हैं. आते ही डायनासोर आ गया है. आपको क्या लगता है कि रियल होगा कि नहीं होगा? मेरे को तो नहीं लग रहा है. ये क्या है, ब्लू वेल है? लग तो नहीं रही है ब्लू वेल ऐसा. हो सकता है ये रियल हो, आई एम नॉट श्योर. गाइस इसके मुंह में से लाल टपक रही है. इसके मुंह में से लाल टपक रही है. देखो नहीं सुधर सकते हम लोग, नहीं सुधर सकते. कुछ नहीं होगा हमारा. वीर के ज़्यादा करीब आ गए हम लोग. गज का भी नहीं. वो हमें ना थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए बिकॉज भाई ये क्या भूतिया हो गया यार. अच्छा रियल जैसा दिखाया है पर दिख नहीं रहा है. गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लंदन में रहने वाले लोग बट इज इट अ डायनासोर? नो, इट्स अ डायनासोर. ये क्या है? चल यार चल चल चल. हम लोग ना ऐसे इसका मजाक उड़ा रहे हैं पर लोग ये सब देखने के लिए तड़प रहे हैं लंदन आने के लिए और हमें ये फ्री में देखने को मिल रहा है बिकॉज हम लोग लंदन में ही रहते हैं.
नॉट इवन यू नो लाइक आउटसाइड ऑफ लंदन, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं है अभी। किसके नीचे आ गए हम लोग? डायनासोर के फेफड़े के नीचे खड़े हम लोग। अच्छा सो गए डायनासोर अभी। अच्छा स्टैचू खेल रहा है। अच्छा अच्छा मुंह किया। सामने देखा मैं डरती नहीं, तेरे से समझा। अभी मेरे को ध्रुव राठी बन के इनका थोड़ा नॉलेज देना चाहिए या फिर मैं ऐसे ही दिखा दूँ, आप बताओ मेरे को। फिर मेरे को भी लोग जर्मन शेफर्ड बोलेंगे। मजाक था, दिल पे मत लेना ठीक है। गाइस मेरी फैमिली तो अपनी फैमिली भी देखेंगी ये सब बकवास। उसको लगेगी लोग हमारे लिए, हमारे सामने तो कितना संस्कारी तरीके से बात करते हैं लेकिन रियल में इतने ब्लंट है। लुक एट दिस बड़ी वाली चिपकली। लंदन में वैसे चिपकली नहीं ना, इसीलिए इधर लगाई हुई है। यू थिंक इट्स रियल और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? इट्स नॉट रियल ना। हम लोगों को घंटा इसका कुछ नॉलेज है नहीं और ऐसे ही आ गए हम लोग इधर। हाय, ब्रश नहीं करते दीदी आप? दीदी आप ब्रश नहीं करते? मैं ला के दूँ कोलगेट और ब्रश? नहीं और तू छोरी नो मान के। वी आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन और तो छोरी नो मान के। यार बोलने भी नहीं दे रहा है। मैं अच्छी तो लग रही हूँ देख देख ना, नहीं लग रही क्या? गाइस ये स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस है, लग भी ऐसा ही रहा। हाँ हाँ मॉमल्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ए भाई ये सब पढ़ा है हमने बायोलॉजी में, कुछ भी बकवास, पता है हमें मॉमल्स क्या है। बंदर जी लटके हुए हैं और क्या, ऐसे छोटे छोटे ये ऐसा है तो डिटेलिंग करके दिखा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को भी रियल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बताओ। ये क्या वो पड़ गई है क्या कटी हुई? कुछ भी यार, ये हमारे सड़क पे घूमते हैं तो हम लोग फ़ोन करके बुला लेते उनको, रेस्क्यू करने वाले को। इधर इसको म्यूजियम में बिठाए हुआ है, कुछ भी बकवास। ये थोड़ा कार्टून टाइप लोगी वाला फोक्स। छोटी बच्ची कितनी अच्छे से व्लॉग कर रही है देखो। हाय क्यूटी गाइस, वाइट बियर है बहुत जायंट है। चुप रहे यार गाइस, वाइट बियर है बहुत ज्यादा जायंट है पर इसमें दिख नहीं रहा है ऐसा, ये जायंट है ऐसा। ये आई ना काम, पहले इन बुकों को देख लेते हैं। लाइन ऐसे चल रही है पर ये लोग अपोजिट चल रहे हैं। ऐसा 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 और नहीं तो क्या, ऐसा ऐसा। ये देखो अंकल जी घूम ही नहीं रहा है, चाय नहीं है इधर से। व्हाट डू आई से, ऐसा इमेजिन करो कि इधर से निकल के बाहर आ गए। और आई कैन ट्राई के रेड एंड फ्रॉम माय फाइव। ये फोटो पे फोटो खींचे जा रहा है ये छोटा बेबी, देखो टॉयज वाले उससे इसको डरा रहा है। आई स्वेयर क्लास है, अगर क्लास ना होता ना तो मैं इसके करीब भी ना जाती। ये है चैंबर, फास्टेस्ट
चीटा क्या है, हमारी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं हिंदी वाली। सौ किलोमीटर पर आवर उसका इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा है, इट्स द मीट ईटर्स लैंड है उसको। चमच लिया गाइस, इंडियन फ्लाइंग फिश इसको चामा चिड़िए को ये लोग शियाड़ बोलते हैं। शियाड़ को क्या बोलते हैं, शियाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं शियाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉक्स को। इसमें लिखा है ना फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ना बिलीव ना करें, वरु 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 नहीं बोलते, वरु डिफरेंट होता है कुछ भी बकवास। टुडे इज अ गुड हेयर डे। हम लोग जिधर से आए थे ना उधर वापस आ गए, उधर इधर ना मछलियाँ मछलियाँ टिंगाई हुई है, लटकाई हुई है, टिंगाई हुई है। इंग्लिश का हिंदी है, क्या हिंदी है मेरा भाई। हम बुढ़ी औरतों के औरतें इतना फिट लग रही है, मेरे को शर्म आ रही है अभी, इतनी मोटी लग रही हूँ मैं तो। ये है हिपोपोटामस, ये है दूसरा हिपोपोटामस। तू हिपोपोटामस, आई थिंक बचपन में ना इसके नाम पे मेरे को मेरी मम्मा डराती थी। हम हमारे घर पे ना इसका सिर्फ लाइक चेहरा टाइप्स हुआ करता था आई थिंक। बहुत ज़्यादा लाइक ट्वेल्व लाइक ट्री में आया हुआ हो ना ऐसे शिंग वाला कुछ तो था हमारे घर पे, उसका चेहरा था लाइक जस्ट चेहरा कटा हुआ दीवार पे ऐसे ना शोपीस में लगा हुआ होता था जब हम लोग अमरेली रहते थे। मेरे को घर पे बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मैं अकेली हूँ और वो होल में चली जाऊँ ना तो, बिकॉज इट वॉज कैरी। गाइज इस पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लोर द डार्विन सेंटर। ये ऐसी छिपकली में बहुत ज़्यादा बेंचेस पे दौड़ा करती थी ये वाली। हाँ ये बालोजी वाला सब कुछ आ गया, ये सब हमने हमारे लैब में रखा हुआ था जब मैं अमरेली स्टडी करती थी। कल पारुल यूनिवर्सिटी में तो घंटा कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम के पैसे रहते। अभी इधर शूज वूज उतार के आराम से पलौठी बाल के बैठी गई उसके साथ, हो गया अभी उतर गया ना शौक उतर गया। इसको मज़ा नहीं आई, इतना तो अच्छा है, आप लोग बताओ अच्छा है ना। कुछ अच्छा नहीं है। ये लड़का देखो, लड़का पीछे वाला, मजे ही मजे, मजे ही मजे। गाइस सॉरी माय बैड, हम लोग इधर वाले एंट्रेंस आए थे, शायद अभी ऊपर जाना है और कोई भी मेरे मेरे तरह ब्लॉगिंग कर रहा है उधर कैमरा लेके, पर हम लोग गरीब हैं, हम लोग आईफोन में कर रहे हैं, हमारे पास कैमरा नहीं है। भीड़ देखो, भीड़ देखो, कितनी ज्यादा लोग आए हुए हैं। Nice. उधर पिकॉक है देख। ओ ऐसा कुछ हमारे घर पे भी था, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, टॉय वाला। आई थिंक इधर से हम लोग ऊपर जाएंगे, इधर से पिक्चर खींचेंगे डायनासोर की। चलो दादाजी चलो, इतनी सी जगह है ना जो स्टेयरकेस एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा बहुत हैरी पॉटर वाइब्स नहीं दे रही है क्या। गाइस ये ना किसी के भी साथ बात करने लग जाते हैं, अभी कोई लॉयर खड़ा था ब्रिटिश का जो भी ना पिक्चर खींचने को बोला ना, तो उसने बातें करनी शुरू कर दी, तो ये भी साथ में बातें कर रहा है। मैं इशारा कर रही हूँ कि भाई चलो इधर से, बट नो इसको बातें करनी है लोगों से, हमें रेड जोन वाला एरिया भी देखना है अभी कि क्या है उसमें, है ना। तो बातें क्यों कर रहा था बातें कर किसी के भी साथ लग जाता है यार, किसी के भी साथ। वैसे आई थिंक हमें रेड जोन मिल गया है, आई थिंक वो इस साइड है।
भूखा है बेचारा, कुछ खाने को मांग रहा है, कुछ दे नहीं रहे लोग। मेरी एक दोस्त है ना मोरेना करके, आई थिंक उसने इधर पे पिक्चर खिंचवाया हुआ था। ब्रो तू भी खींचेगा मेरी पिक्चर। ओके सो आफ्टर दिस स्टोन इट सेज दैट एस्ट्रोनॉट के द्वारा इसको मून से लाया हुआ है, लाइक दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्शन सेज कि ये मून रॉक है। आई डोंट नो, हो सकता है, होगा मतलब है। ओके फिर ये वो जगह है जिसके यू नो आप फोटोज में देखते हो और आपको क्लिक हो जाता है कि आपको यही जगह जाना है, और ये वही जगह है जहाँ पे जाके मेरे को फोटो खिंचवानी थी और नसीब देखो ये बंद था। अभी इस वाले के लिए बाढ़ में गई डिस्क्रिप्शन, बट मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सा लगा। आपको अच्छा लगा तो बताओ। थैंक यू फॉर विजिटिंग टुडे। यू आर वेलकम। अभी थोड़ा नेचुरल लाइट्स देखने को मिले आए हैं। अभी कुछ सुकून मिला ना। गाइस स्प्रेड से ड्रिंक लेके हम लोग चले कैफे नीरो में, बिकॉज ये उसका फेवरेट है और मेरा भी है। जेन्युइनली फर्स्ट ड्रिंक है। और एक्टिंग नहीं दुकान। क्या सेक्सी गाड़ी है यार, भगवान जी बस एक ये दिला दो। गाइस ये घर कितना सेक्सी लग रहा है। या फिर हो सकता है कि हम लोग इंडिया चले आए, अगर आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम लोग थोड़ा फेमस हो जाए। गाइस हमें ऊपर वाली सीट मिल गई और क्या स्ट्रीट्स लग रही है भाई। इसके पीछे ना बहुत मस्त ड्रेसेस थे, बट आई कांट शो यू। कुछ नहीं गाइस, वॉइस ओवर डालना पड़ा, लुलु मेलन बोल गई थी लुलु लेमन के बदले। लोग इधर वेस्ट मिनिस्टर आ गए, मैंने अपनी चोटी भी बांध ली। वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स एंड हैविंग फन। हाथों में हाथ डाल के गाइस इधर मस्त बेंच रखी हुई है और सामने ये वाला व्यू है। गुड 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 गाइस, ये सामने ये वाला देख रहे हो वो लंदन आई है। क्या लोकेशन मिली हमें बैठने के लिए। Don't know what to call this garden, but बहुत ही quiet है, like बहुत कम लोग हैं इधर। कैसे दिस? अच्छा गा बैठने के लिए। We are literally sitting here since an hour. Best experience. और फिर मौका भी था, दस्तूर भी था, मौसम भी अच्छा था, तो हमने अच्छी सी क्यूट सी वीडियो बना ली। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, फॉलो करो, देखो कंटेंट जाके पर आफ्टर वीडियो। गाइस पता नहीं कोई सी तो स्ट्रीट है, काफ़ी सही दिख रही है। और ये जो रुचित पिक्चर खींच रहा है ना, लंदन आई भी दिख रही है, बिग बैन भी दिख रहा है, और आई थिंक ये म्यूजियम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह नाइस पिक्चर, नाइस। और फिर हम लोग यहाँ पे बिग बैन के साइड आ गए और यहाँ पे हम लोग खड़े रह के बस व्यू एंजॉय कर रहे थे। और ये जो जगह है ना, वो हम लोगों ने लिटरली जो क्लासमेट्स की बुक्स में आती है ना, ये सब चीज़ों में ये जगह देखी हुई है। ये सब ना मैनिफेस्टेशन है जो हमारा काम कर गया। यहाँ पे आना एक ड्रीम था और अभी हम लोग ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और अभी आगे जाके और बड़े ड्रीम होते जा रहे हैं और वो भी पूरे करते जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर क्या, हम लोग घर चल पड़े। बहुत ज़्यादा धूप थी, आई डोंट नो वाई, 8:30 बजे थे। लंदन में ऐसा ही होता है जनाब, यहाँ पे 9:30 बजे आजकल अंधेरा होता है। और ओके गाइस यहाँ पे हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। और नया वीडियो जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है, कोवेंट गार्डन का है, प्लीज़ जाके देखना जब आ जाए तब। सब्सक्राइब कर दो, बाय।